हेलो रनर्स, मैं हूं गौरव शर्मा और आप देख मेरे यूट्यूब चैनल विकान के दान। हम लोग यहाँ इस टॉपिक का सेकंड पार्ट शुरू कर रहे हैं। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो हमने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप जाके देख लें फटाफट से। तो हम जो बात कर रहे हैं ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ट्रेंड्स का। और ट्रेंड्स में हम क्या देखते हैं कि वेरिएशन किस तरह से आती है एलिमेंट्स में। जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में या फिर जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो उसके अंदर वेरिएशन क्या देखने को मिलती है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें सबसे पहले वैलेंसी आती है दोस्तों। वैलेंसी के बाद इसमें हम एटॉमिक साइज की बात करते हैं, उसको एटॉमिक रेडियस भी बोलते हैं। मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स की बात करते हैं कि उसमें क्या होता है। ये मैंने छोटी सी डेफिनेशन लिखी है, वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते चलेंगे कि भाई वैलेंसी क्या होता है। वैलेंसी जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या तो गेन होते हैं या लॉस होते हैं या फिर शेयर होते हैं, बाय वन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू अचीव द नियरेस्ट इनर गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का मतलब कि अपनी शेल्स को, अपने इलेक्ट्रॉन्स को स्टेबल करते चलना। एलिमेंट्स क्या है, स्टेबल है या नहीं है। तभी जब कोई स्टेबल नहीं है तो स्टेबल करने के लिए या तो वो गेन करते हैं कहीं से या फिर वो लॉस करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को। यहां मैंने एक वैलेंसी को बताया आपको कि जब आप पीरियोडिक टेबल में देखिए, मैंने एक पीरियड बनाया है, ये दिस इज अ पीरियड, और ये मैंने उनकी कुछ वैलेंसीज लिखी है यहाँ पे। तो ये एक हमारा पीरियड हो गया, ये हमने उसकी वैलेंसी को बताया है। तो देखिए जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो 11 की जो वैलेंसी होगी जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करोगे तो 281। अब 1 से क्या होगा कि इसको ऑक्टेट अपना कंप्लीट करने के लिए यानी अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए या इसको और 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ये इसकी के शेल हो गई, ये इसकी एल शेल हो गई और ये इसकी एम शेल हो गई, राइट। तो इसको अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करने के लिए कम से कम 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन कौन देगा, तो अभी ये अनस्टेबल है इसकी शेल, तो ये क्या करता है अपना एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है। तो लॉस करने पे क्या होगा, अब इसकी पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, तो ये डबलेट कंप्लीट हो गया इसका। दूसरी शेल में इसकी एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन यहां इसका ये डबलेट या ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो क्या करता है, लॉस कर देता है। इसीलिए सोडियम के ऊपर कैसा चार्ज आता है, Na पॉजिटिव। इस तरीके से मैग्नीशियम है यहाँ जिसकी वैलेंसी जो है वो 2 है, तो इसी तरीके से जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करते हैं तो 2A2, यहाँ भी कंप्लीट नहीं है ऑक्टेट, तो ये क्या करता है 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है। इसके ऊपर कैसा चार्ज आता है, Mg+2, Mg2+, राइट। तो ये वैलेंसीज हैं सबकी। आप देखेंगे जब भी आप टेबल में, आपकी जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है बुक में बनी हुई है, पिछले लेक्चर में या पिछले पार्ट में मैंने बनाई है, उसमें आप देखना उसको कि जब आप उसमें लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो क्या हो रहा है यहाँ पे लेफ्ट टू राइट मूव करने में कि फर्स्ट वैलेंसी इंक्रीजेस। देखो 1, 2, 3, 4 पहले इंक्रीज हो रही है, तरल के बाद डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब जब आप लेफ्ट टू राइट टेबल में मूव करेंगे किसी भी पीरियड के अंदर, आप कोई भी पीरियड देखना, जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो उसमें क्या देखने को मिलेगा हमें कि 1, 2, 4 पहले तो हमारी ये इंक्रीज हो रही है बैलेंसी, देन उनके बाद क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब यहां से देखेंगे इसको तो डिक्रीज हो रही है, राइट। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे बैलेंसी डिक्रीज। दूसरी चीज फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। दूसरी चीज यहाँ पे डाउन द ग्रुप जब हम आते हैं, अब जब ग्रुप में हम डाउन आते हैं कोई भी ग्रुप हम ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे सोडियम लिया तो मैं इसके ऊपर लिथियम ले लू, सोडियम ले लूं और पोटेशियम ले लूं, ये मेरा ग्रुप हो गया, ग्रुप वन हो गया। तो ग्रुप वन में क्या देखता हूं कि इसका एटॉमिक नंबर 3, यहां 11 और यहां हो गया मेरा 19। तो डाउन द ग्रुप जाने पे क्या हो रहा है, जब हम ग्रुप में डाउन जाते हैं तो ग्रुप में डाउन जाने पे देखो क्या होगा, इसकी वैलेंसी 1 होगी, इसकी भी वैलेंसी 1 होगी और इसकी भी वैलेंसी 1 होगी। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करोगे लिथियम की तो कैसी होगी, 2, 1। सोडियम की करेंगे तो 2, 8, 1। देन पोटेशियम की करेंगे तो 2, 8, 8, 1। तो डाउन द ग्रुप जाने पे, जब भी आप ग्रुप में डाउन जा रहे हो, डाउन द ग्रुप जाने पे हमारी जो वैलेंसी है वो कैसी है, वो सेम है। तो वैलेंसी से हमें 2 रिजल्ट देखने को मिले कि जब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो वैलेंसी पहले इंक्रीज होती है विच इज 1, 2, 4 एंड देन डिक्रीज होती है विच इज लाइक 4, 2, 0 और 3, 2, 0। लेकिन जब आप ग्रुप के अंदर डाउन जाते हो तो ग्रुप में डाउन जाने पे वैलेंसी कैसी रहती है, हमारी सेम रहती है, राइट।
नेक्स्ट अब हम इसमें बात करेंगे इसमें एटॉमिक साइज के बारे में। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट ट्रेंड है वो है हमारा एटॉमिक साइज। तो जो एटॉमिक साइज किस चीज को बताता है, एटॉमिक साइज बताता है इस न्यूक्लियस से, किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस है उसके न्यूक्लियस से उसके आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस कितना है वो उसका एटॉमिक साइज बताता है, एटॉमिक रेडियस बताता है। हम लोग एटॉमिक साइज को एटॉमिक रेडियस के नाम से भी जानते हैं, एटॉमिक रेडियस के नाम से भी जानते हैं। नहीं, मान लीजिए कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर कैसे चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस कहाँ है, ये न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है, प्रोटोन है, नंबर ऑफ प्रोटोन्स, और क्या क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटोन होते हैं पॉजिटिव और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए न्यूक्लियस के पास हमारा कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। सो किसी भी एटम के, अब मान लीजिए ये हो गई आपकी के शेल, ये हो गई आपकी एल शेल, और ये हो गई आपकी एम शेल। तो इस न्यूक्लियस से इसकी आउटर मोस्ट शेल तक का डिस्टेंस जितना है वो उसकी एटॉमिक रेडियस को या एटॉमिक साइज को बताता है। अब किसका, जैसे मैंने यहां तीन शेल बनाई है तो तीन शेल किसकी हो सकती है, मान लीजिए सोडियम है ये, राइट? तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 2, 8, 1, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई, यानी इसका एटॉमिक नंबर हो गया हमारा 11। तो 11 को फिल करने के लिए के एल और एम शेल। तो यानी सोडियम का एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस हो गया ये। अब इसको देखते कैसे हैं, यहां हमने ये तो बना लिया लेकिन अब ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग हम इसको कैसे पढ़ते हैं। तो ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग हम इसको क्या देखते हैं कि जब भी आप पी ग्रुप उसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे उस टेबल में, जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आपका जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज होता है। डिक्रीज क्यों होता है, देखिए जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। वो इसलिए होता है क्योंकि जब आप देखेंगे कोई भी आप पीरियड देख लो, लेफ्ट टू राइट जाने पर जब आप पीरियड्स के अंदर जा रहे हो तो पीरियड में क्या होता है, इस पॉइंट में बच्चों को सबसे ज्यादा चैलेंज फेस करना पड़ता है कि भाई ये क्या है, ऐसा क्यों होता है। ये ऐसा इसलिए होता है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास सोडियम है, मैग्नीशियम है और अल्यूमिनियम है, राइट? तो सोडियम के पास भी कितनी शेल है, तीन शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करने के लिए। मैग्नीशियम के पास भी कितनी है, तीन शेल, राइट? और अल्यूमिनियम के पास भी कितनी है, थ्री शेल्स है। इसका एटॉमिक नंबर 11, 12 और 13। अब आप देखेंगे कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये तो चलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गए इसके न्यूक्लियस के, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसकी आउटर मोस्ट शेल के अंदर मूव कर रहे हैं, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब ये इसके ऊपर +1 चार्ज, यहां इसके ऊपर +2 चार्ज और यहां इसके ऊपर +3 चार्ज। तो न्यूक्लियस का जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का, देखिए यहां पे जो आउटर मोस्ट शेल है वो तो सबकी सेम है, यहां पे न्यूक्लियस से सबका डिस्टेंस तो सेम है, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज बढ़ता चला जा रहा है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जा रहा है, वो क्या कर रहा है, इसकी शेल को श्रिंक कर रहा है, न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा है, न्यूक्लियस का इफेक्टिव जो चार्ज है वो इफेक्टिव है काफी, तो जिसकी वजह से इसका साइज क्या हो रहा है, कम होता चला रहा है। खुद सोचिए कि शेल्स तो उतनी है लेकिन इसके जो 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 चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो श्रिंक कर रही है इसकी शेल, तो साइज क्या हो रहा है इसका, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन जब आप इसमें ग्रुप में डाउन जाते हो तो ग्रुप में जाने पे क्या होता है, ग्रुप में जाने में इसका जो रेडियस है वो इंक्रीज होता है, बढ़ता है। ऐसा क्यों बढ़ता है, इसलिए बढ़ता है क्योंकि जब आप ग्रुप में डाउन जाते हो तो ग्रुप में डाउन जाने पे नई शेल्स ऐड होती रहती हैं, जैसे 3, 11, 19। तो 3 के लिए 2 शेल, 11 के लिए KLM शेल और 19 के लिए 4 शेल्स। तो क्या हुआ यहाँ पे कि जो नई शेल्स हैं वो बढ़ गई, न्यू शेल्स ऐड हुई, इसीलिए पीरियड में ग्रुप में जाने पे जो एटॉमिक साइज है वो भी बढ़ गया, लेकिन यहाँ इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से ये क्या हो गई, शेल श्रिंक हो गई, इसलिए ये जो साइज है वो डिक्रीज हो गया, राइट? अब इसके आगे के पार्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं, यानी ट्रेंड्स को डिस्कस करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को देखिए, हम नेक्स्ट पार्ट का लिंक जो है वो इसके डिस्क्रिप्शन में डालते हैं। थैंक यू।